1 मई मजदूर दिवस के अवसर पर छत्तीसगढ़ प्रोफेशनल कांग्रेस द्वारा भव्य बोरेबासी का आयोजन किया गया, जिसमें सभी प्रशासनिक अधिकारी सहित वरिष्ठ राजनीतिक लोग शामिल हुए। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के आह्वान पर मजदूर दिवस 1 मई को दुर्ग भिलाई में विभिन्न जगहों पर श्रमिकों का सम्मान कर बोरेबासी खिलाने का आयोजन किया गया। इसी कड़ी में छत्तीसगढ़ प्रोफेशनल कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष क्षितिज चंद्राकर द्वारा दुर्ग के स्वामी विवेकानंद सभागार में भव्य बोरेबासी का आयोजन किया गया, जिसमें पहुंचे श्रमिकों का गमछा उड़ाकर सम्मान किया गया, साथ ही सभी को बैठाकर बोरेबासी खिलाया गया। इस अवसर पर प्रदेश के गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू, विधायक अरुण वोरा, महापौर धीरज बाखलीवाल, प्रदीप चौबे, प्रतिमा चंद्राकर, राजेंद्र साहू, राकेश ठाकुर सहित दुर्ग कलेक्टर पुष्पेंद्र मीणा, दुर्ग SP अभिषेक पल्लव ने कार्यक्रम में शामिल होकर आमजनों के बीच बैठकर बोरेबासी का लुत्फ उठाया। तो आप लोगों के माध्यम से जो जो न्यूज़ देख रहे हैं, खबर देख रहे हैं, सबको मेरी तरफ से श्रमिक दिवस की हार्दिक बधाइयाँ। आज का आयोजन श्रमिक भाइयों के सम्मान का आयोजन है। हर साल माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा चालू की हुई ये एक परंपरा है कि बोरेबासी त्यौहार का आयोजन किया जाता है। बोरेबासी के बारे में सारे सबको मालूम है, किसी छत्तीसगढ़ी आदमी को बताने की ज़रूरत नहीं है बोरेबासी क्या है और इसका मजदूर के लिए क्या रेलेवेंस है। तो इसी के उपलक्ष्य पे आज बोरेबासी भोज का आयोजन किया है प्रोफेशनल कांग्रेस ने। 1 मई को मजदूर दिवस के पूरा छत्तीसगढ़ में मनाया जा रहा है और हम धन्यवाद देते हैं प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी को, जिन्होंने आज के दिन बासी खाकर पूरे छत्तीसगढ़ के जो छत्तीसगढ़ की संस्कृति है, जो यहाँ का कल्चर है, उनको यहाँ पर अवगत कराया है। हमारे जो मजदूर होते हैं, मेहनत कर किसान होते हैं, वो हमारे गांव की परंपरा है कि हम लोग बोरे और बासी खाकर खेत में काम करने के लिए निकलते हैं, क्योंकि इसमें इतना प्रोटीन तत्व रहता है जो 8-8 घंटे इसको खाने के बाद मजदूर बहुत स्फूर्ति के साथ खेत में काम करता है। तो हमारी जो छत्तीसगढ़ का जो परंपरा है बोरे बासी खाकर काम करना, और उसको आज उन्होंने आज इस आयोजन के माध्यम से किया है। तो प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी को मैं बधाई देती हूँ कि छत्तीसगढ़ की जितनी परंपरा है, तीज है, त्यौहार है, चाहे तीजा हो, चाहे पूरा हो, चाहे बासी खाना हो, चाहे यहाँ की भाजी है, बुंदक सब्जी है, इसको उन्होंने हाईलाइट किया, इनको प्रचलन में लाया और हर छत्तीसगढ़िया को गर्व हो रहा है कि आज हम बोरेबासी का जो वो है उसको पुनः स्थापित किए हैं। इतने सारे जनप्रतिनिधि हमारे छत्तीसगढ़ का नेतृत्व किए, पर किसी ने छत्तीसगढ़ के जो ये संस्कृति है उसको लागू नहीं किया। प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी ने जिस तरह छत्तीसगढ़ के संस्कृति को लागू किया है, यहाँ की परंपरा को लागू किया है, यहाँ की योजनाओं को लागू किया है, वो निश्चित रूप से हर छत्तीसगढ़िया के लिए गर्व की बात। बोरेबासी में वो महत्व है जो महत्व हमन बचपन से देखा आत रहे। आज छत्तीसगढ़ शासन के मुखिया माननीय भूपेश बघेल जी ये बताई सबला कि इमें कार्बोहाइड्रेट भी हब है, इमें विटामिन भी हब है, आयरन भी हब है, प्रोटीन भी हब है, सारा चीज़ अगर उपलब्ध अगर कोई चीज़ में है तो ये छत्तीसगढ़ के स्पेशल डिश बोरे बासी में हब है। आज पूरा छत्तीसगढ़ हा बोरे बासी दिवस के रूप में मनात हबे, साथे साथ ये हब है कि पूरा विश्व में भी बोरे दिवस के रूप में मनाए जाते और खास करके छत्तीसगढ़ के जो रहुया जो विदेश में रहते तेन मन भी आज बोरेबासी खाते। ये महत्व बोरेबासी खबे और इतना ताकत है ये बोरेबासी में कि मजदूर इला खा के कई घंटा 8-8 घंटा तक के काम करते, वो ताकतवर चीज ये बासी आ रहा है। आज के कार्यक्रम की बधाई देती हूँ क्षितिज चंद्राकर जी को, क्योंकि वो उन्होंने आज सब लोगों को एक मंच पर एक साथ इकट्ठा किया और छत्तीसगढ़ के जो बोरेबासी भाई बहनी जो खाते हैं, मजदूर लोग खाते हैं, तो रात का भोजन जो उसको पानी में डाल के रखते हैं चावल को और सुबह खाते हैं, ये सेहत के लिए बहुत फ़ायदेमंद होता है। और इसीलिए इसका महत्व बताने के लिए भूपेश बघेल जी ने अपनी संस्कृति को जोड़कर लोगों के साथ में कहा है कि आप लोग भी बोरेबासी खाएं, जिससे आपका शरीर स्वस्थ रहे, क्योंकि मजदूरों को आप देखते हैं इनको कोई भी बीमारियाँ नहीं होती, ये निरोग रहते हैं। और ये इसकी महत्ता बताते हुए उन्होंने आज सब लोगों को एक साथ जोड़कर
हमारे छत्तीसगढ़ का ये जो भोजन है, सब लोगों को इसकी महत्व बताया गया और यहाँ आज छोटे से लेके बड़े लोग भी इसका महत्व समझ रहे हैं। और बोरेवासी का जो चावल को बोर के खाते हैं, दही है, सब्जी है, चटनी है, कई तरह की सब्जियाँ बनती हैं, उन सब्जियों का महत्व आज बताया गया है। और हमें अपनी संस्कृति से जोड़ने का जो प्रयास किया जा रहा है, ये बहुत अच्छी बात है कि हमें अपनी संस्कृति नहीं भूलना चाहिए।